नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए ये गुड़हल का पौधा लेकर आई हूँ। और इस गुड़हल का जो फूल है वो बहुत बड़ा, इतना बड़े साइज में लगता है। और ये प्लांट बहुत ही हैवी फीडर होते हैं। और अब इस जो ये जो प्लांट मैंने लगा रखा है वो है 10 इंची के गमले के अंदर। और अब मैं इसका जो गमला चेंज कर रही थी तो मैं सोचा इसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो आपको मैं बताती हूँ कि इस ये प्लांट की ग्रोथ एक तरह से रुक गई है। फूल इसका जो है बहुत टाइम में बड़ा होता है और या तो फिर ये झड़ी जाता है, इसकी कलियाँ झड़ जाती हैं। और इसके अंदर रूट बॉल जो है, इसका पूरा रूट बॉल पूरी तरह से बाउंड हो गया है और नीचे से भी जड़ें निकलने आ गई, शुरू हो गई हैं। ये मैंने कट की हुई हैं पर उसके बाद भी ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाया। तो सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर की ये लेयर जो थी मिट्टी की वो निकाल के एक साइड पे रख ली है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी खाद डाली थी और बनाना पील फर्टिलाइज़र डाला, इसमें आलू के छिलके डाले हैं, नींबू के छिलके डाले हैं। तो ये तो मैंने इसके ऊपर की जो सॉइल थी ये मैंने अलग कर ली है इससे, और अब मैं इस पौधे को इस गमले से अलग कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसको गमले से अलग कर लिया है। इसके गमले को मैंने साइड में रख दिया। आप इसकी रूट बॉल्स देखिए, इसकी रूट बॉल देखिए आप, पूरी तरह से रूट बॉल जो है बाउंड हो गया है। और सबसे पहले तो हमें इसका रूट बॉल हटाना, छोटा करना है, और उसके बाद इसे हम रिपॉट करेंगे। अब मैं 12 इंची के गमले में इसको रिपॉट करूंगी। और इसके लिए आप ऐसा टूल ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फॉक ले सकते हैं, उससे आप हल्के हल्का स्क्रैच कीजिए इसे, कुछ जड़ें टूट जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। ये देखिए आप, देखिए बहुत बुरी तरह से ये जो है जकड़ गया। इसको आप हल्का कर लीजिए। रूट्स तो बहुत अच्छी डेवलप हुई है इसके अंदर, लेकिन इसका जो गमला है इसकी ग्रोथ और इसके फ्लावर के हिसाब से छोटा पड़ेगा। आप इसको बारिशों के दिनों में रिपॉट करें। सितंबर का महीना बहुत अच्छा है रिपॉटिंग के लिए। जड़ों में से मिट्टी हल्के हाथों से छुड़ा लें। ये देखिए इसकी कितनी लंबी लंबी जड़ें हैं। इसकी मैंने बहुत छोटी कटिंग लगाई थी, ये कम से कम 6 इंची की होगी। आप इसकी जड़ों को कटर से काट लें। अगर कटर नहीं है तो आप कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमें इसकी जो जड़ है ये देखिए, मैं इसे कटर से काट रही हूँ और हमें इसकी मिट्टी जो है पूरी तरह से नहीं हटानी है, हमें इसके रूट बॉल को छोटा करना है और इसकी जड़ें थोड़ी हल्की करनी है। कुछ मिट्टी तने के साथ लगी रहने देनी है हमें। ये रूट बॉल मैंने छोटा कर लिया है, इसे मैं साइड में रख दूंगी। अब ये देखिए, अब मैं ये मेरा 12 इंची का गमला है, इसके अंदर मैंने पॉटिंग मिक्स भर रखा है आधा। इसके अंदर एक भाग मिट्टी है, एक भाग रेत है और एक भाग खाद है। अगर आपके पास नीम की खली है तो आप नीम की खली डाल लीजिए, और नहीं है तो आप नीम के सूखे पत्ते डाल सकते हैं। गोबर की खाद ये गोबर की खाद के मैंने बड़े बड़े टुकड़े डाल रखे हैं, डाल दिए मैंने इसके अंदर, और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी। और ये जड़े हैं इन्हें मैं फेंकूंगी नहीं, इसे भी मैं गमले में डाल दूंगी, ये अपने आप ही कंपोस्ट बन जाएगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नई मिट्टी लें, अगर नई मिट्टी नहीं है तो आप यही पुरानी मिट्टी के अंदर ही और खाद मिलाकर इसे हम गमले में डाल सकते हैं। ये देखिए जड़े मैंने इस पे बिछा दी हैं, ऐसे अच्छे से फैलाकर दबा दीजिए, और इस पे मैंने मिट्टी डाल दी और ये सब कंपोस्ट बन जाएगी। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी नीम खली। मैंने एक चम्मच के करीब नीम खली लिया और मैंने अच्छे से डाल दिए। नीम खली डालने से क्या होता है कि एक तो कीड़ा नहीं लगता, दूसरा फंगस भी नहीं लगती। फिर मैंने मिट्टी भी रख दी है इसके ऊपर, और अब मैंने अपना ये प्लांट जो है जिसका रूट बॉल छोटा किया है उसे रख दिए। आप ध्यान रखिए कि हमारा पौधा सेंटर में हो, और जो मैंने सॉइल निकाली थी टॉप लेयर वो मैंने डाल दी है इस गमले के चारों तरफ, इस रूट बॉल के चारों तरफ, और ये मिट्टी मैंने इसमें भर दी है। अभी जो पुरानी मिट्टी है इसके अंदर मैंने जो मैंने मिश्रण तैयार कर रखा है, एक भाग रेत, एक भाग मिट्टी और एक भाग खाद का, वो मैं इसमें मिला लूँगी। और ये आपके की मर्जी है कि आप कितना डालें। मैंने जो कंटेनर ले रखा है उसका मैंने 2 कंटेनर मैंने इसमें डाला है। ये देखिए, आपके पास नीम खली, आप नीम खली डाल सकते हैं इसके अंदर, गोबर की खाद और डाल सकते हैं, और अगर आप बोन मील यूज़ करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। बोन मील जो है गमलों के अंदर हम थोड़ा ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते। अब अपना कंटेनर भर लीजिए। ये देखिए, दबा दबा कर आपको, ये देखिए, ये जो आप मिट्टी भर रहे हैं उसे अच्छे से दबा के चारों तरफ हमें भरना है। दबाने से क्या होता है कि इसमें एयर पॉकेट नहीं रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक जड़ों पे हवा लगने से पौधा ख़राब हो जाता है। तो अच्छे से दबा दबा के भरिए इसे, और चारों तरफ से मिट्टी एक सी कर लीजिए, और ये जो गमला है उसमें कम से कम 1.5 इंची का गैप रखिए, क्योंकि इसके अंदर हम मल्चिंग करेंगे गर्मियों में और खाद वगैरह डालेंगे
तो पानी के लिए जगह कम रह जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंची इसका गमला ऊपर से खाली रखना है। और मैं तो ये कहूँगी कि आप 12 इंची के गमले में अपने गुड़हल को लगाएं। गुड़हल का जो पौधा है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका फ्लावर कितना बड़ा है और उसकी हाइट कितनी बड़ी है, तो उस हिसाब से हमें इसको इसके गमले को रखना चाहिए। आप अपने गमले को ऐसे ही रीपॉट कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार बड़ा गमला लेना है। आप उसमें भी उसको खाद वगैरह डालकर दोबारा से उसमें भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छे से इसमें मिट्टी भर दी है मैंने और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और पानी डाल के मैं इसे छाया में रख दूंगी। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने गुड़हल के पौधे के की केयर कीजिए और अगले वीडियो पर फिर मिलते हैं। बाय।